आगरा का नाम सुनते ही लोग ताजमहल को याद करने लगते हैं। शाहजहां और मुमताज महल के असीम प्रेम के प्रतीक के रूप में मौजूद यह स्मारक दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। यही कारण है कि शहर में सिर्फ भारत के विभिन्न राज्यों से ही लोग घूमने के लिए नहीं आते, बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ शिरकत करते हैं। हालांकि आगरा में सिर्फ ताजमहल ही मौजूद नहीं है, आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है जो कभी मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आज यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और आगरा के किले फतेहपुर सिकरी और मेहताब बाग जैसे शानदार स्मारकों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि यह अपने जूतों, कालीनों और व्यंजनों के लिए भी खूब जाना जाता है। इसके अलावा भी इस शहर से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो बेहद ही दिलचस्प रहा है, लेकिन बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को आगरा से जुड़ी कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। 1556 से 1648 तक आगरा अकबर और शाहजहां के समय के दौरान मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। उस समय आगरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। 1648 में शाहजहां का शासन खत्म होने के बाद छठे मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अगर आपने आगरा के ताजमहल को देखा होगा तो यकीनन आपने आगरा के लाल किला को भी अवश्य देखा होगा। यह लाल किला ताजमहल के बगीचों के पास स्थित है। 16वीं शताब्दी में यह मुगल स्मारक 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक माना जाता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां आगरा के इस किले पर चढ़कर यहीं से ताजमहल को निहारा करते थे। यह शहर भारत का सबसे बड़े शू मैन्युफैक्चर है। यहाँ के शू मैन्युफैक्चर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह शहर चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर एक्सपोर्ट माना जाता है। यही कारण है कि जब भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं और शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर लेदर फुटवेयर जरूर खरीदते हैं। अब हम जाते हैं आगरा के कुछ बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की ओर, जिसमें नंबर 1 पर है ताजमहल। आगरा रेलवे कैंट स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ताजमहल को बनने में लगभग 17 साल लगे और अंततः 1653 में बनकर तैयार हुआ। ताजमहल का निर्माण राजस्थान के सफेद संगमरमर से 60 बीघे से अधिक भूमि को कवर करके बनाया गया है। इसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे भारत के चौथे मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र और अकबर के पोते शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसे मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। नंबर 2 पर है फतेहपुर सिकरी। आगरा कैंट से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सिकरी शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है और यह एक फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, जिसे 1569 में सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। यह शहर 1571 से 1585 तक मुगलों की राजधानी था। फतेहपुर सिकरी संरचना मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। फतेहपुर सिकरी मुस्लिम वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 3 पर है आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है, जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य संरचना का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने वर्ष 1573 में करवाया था। वहीं आगरा का किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। इसकी वास्तुकला दिल्ली के लाल किले से मिलती जुलती है। इसके अलावा यहाँ मौजूद अकबर का मकबरा और मेहताब बाग जैसे कई पर्यटक स्थल मौजूद है, जहाँ पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आगरा शहर का एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।